लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स. अब हमें यहाँ कुछ नंबर्स हैं जो डेसिमल में दिए हुए हैं, उनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. यहाँ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैम डेसिमल हम कहाँ पे लगाएं. तो वेरी सिंपल, सबसे पहले या तो आप ऐसे करो, इसका डेसिमल निकालो. देखो इसकी मैं दो तरीके से आपको बताती हूँ. 146.8944 इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. फर्स्ट मेथड तो क्या है कि आप इसका पॉइंट हटाओ. जब हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे पॉइंट का वन आ जाता है और ये जितने नंबर्स हैं उतनी जीरोस आ जाती हैं. पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, फोर, तो हम यहाँ पे फोर जीरोस आ. ठीक है, पहले हम इस ऊपर वाले का निकाल लेते हैं 146.8944 इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. फिर हम 10,000 का अलग से निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, राइट हैंड साइड से हमने अपना पेयर्स बनाना शुरू किए. अब 1 1 जा 1 1 का डबल 2, फिर 2 पे जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस किया हमें, ऊपर से क्या लिया 89. अब 12 प्लस 12 यहाँ पे कितना आ गया 24. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 2 लिखती हूँ तो ये बड़ा आ गया 484. ठीक है, तो 1 पे तो कितना आ जाएगा 241 माइनस कर देंगे, ऊपर से हमने कितना ले लिया 44. ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी 4 क्वेश्चन का 4 पार्ट किया था, है ना, बाद दो जीरो थी बस, थोड़ा सा फर्क. अब इसमें हम 121 का डबल करेंगे, कितना आ जाएगा 242. तो इसके सामने हम लिख देंगे 242. अगर इसको हम 2 से करेंगे, 242 को 2 से करें तो कितना आ गया, देखो सेम आ गया हमारा. तो हमने यहाँ पे क्या लिया 2, इसका आंसर हमारा कितना आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 1212. अब जो नीचे वाला हमारे पास है 10,000, इसका हम अलग से स्केल निकालेंगे. अब देखो 1 1 जा 1, ऊपर से हमने क्या लिया 2 जीरोस. ठीक है, 1 का डबल 2, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0. अब ऊपर से फिर हमने 0 0 लिया, 10 का डबल 20, इसको फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 0 0. हमारा आंसर कितना आ गया 100. तो कुल मिला के हमारा जो आंसर है कितना आएगा 12 12 ऊपर और 100 नीचे. 1212 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो जितनी जीरो नीचे होती है ना उतने ही हम नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं राइट हैंड साइड से. यहाँ 2 जीरो से तो राइट हैंड साइड से हम 2 नंबर्स काउंट करिए, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 12.12. क्या बोलते हैं इसको, 12.12, 12.2 नहीं बोलते, 12.12 आंसर आ गया. ठीक है, एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ये तो था हमारा कि पहले हमने पॉइंट हटा दिया, ऊपर वाले का स्केयर रूट निकाल दिया, फिर हमने नीचे वाले का स्केयर रूट निकाल दिया. एक होता है कि हमें डेसिमल वाला नंबर है वो सीधा ही गिवन है, सीधा ही निकाल देते हैं. देखो 146.8944 इसका हमें स्केयर रूट निकाल दिया, सीधा ही निकाल लेते हैं. तो हमने क्या किया, यहाँ से राइट हैंड साइड से पेयर बनाया, वन अकेला रहेंगे. पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं इनका हम लेफ्ट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं. ठीक है, कहाँ से बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट के बाद वाले नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 1 जा 1, अब 1 का डबल 2, फिर 1 पे जाएगा, नहीं 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. अब यहाँ देखो नंबर्स खत्म हो गए, 146 के बाद पॉइंट था, 146 हमारा खत्म हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ, क्लियर. इसके बाद हमने जैसे एज यूजुअली हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, फिर ऊपर से एक पेयर लिखते हैं. ठीक है, सेम वैसे हमने इसको माइनस किया 2 8 9, एक पेयर ले लिया, ये पॉइंट ऊपर गया, इसका नीचे कोई रोल नहीं है, ये नीचे नहीं आया. अब 12 प्लस 12 यहाँ पे कितना आ गया 24, अब 1 पे जाएगा ये, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 48, ऊपर से हमने लिया 44. ठीक है, ये लाइन यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे. आप 121 प्लस 121 कितना आ जाएगा हमारे पास 242, इसके सामने हम लिख देंगे 242. अब देखो 2 पे जाएगा ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 12.12.
सीधे डायरेक्ट मेथड से भी हमारा वही आंसर आ गया। हम ऊपर वाले का अलग निकालते नीचे वाले का, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। आप जो उनसे मर्जी मेथड से कर लो, ठीक है, आपको जो मेथड पसंद है आप उसी मेथड से कर लेना। ये सेकंड मेथड है और ये हमारा फर्स्ट मेथड है। मैं आपको सारे क्वेश्चन सेकंड मेथड से करवाऊंगी, जो थोड़ा शॉर्ट भी पड़ता है और टाइम भी कम लगता है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, 1.4641। ध्यान से देख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं, आगे से पेयर बना दिए हमने, ठीक है। अब वन अकेला है, वन वन जब वन, आप पॉइंट से पहले वाले जो नंबर्स हैं वन खत्म हो गया, अब ये जो पॉइंट है ये सीधा ऊपर आ गया, बस बात करो। अब हमने एज यूजुअली जैसे हम करते हैं सिंपल स्केयर रूट वैसे ही करना है। अब हमें ऊपर से क्या लेना है, 46, एक पेयर लेना है पूरा का पूरा, ठीक है। वन का डबल करेंगे टू, अब टू भी चला जाएगा, ये टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, अब माइनस कर दिया हमने कितना आया टू, अब 41 को नीचे ले लिया, अब 12 को अगर हम प्लस करें, 12 प्लस 12 कितना आता है हमारा 24, तो देखो 1 पे चला जाएगा। तो हमारा आंसर हमें अलग से लिखना होता है, अदरवाइज अगर आपने यहाँ तक अभी छोड़ दिया तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है आपका आधा नंबर एक नंबर काट ले, अदरवाइज पूरे भी दे सकता है। पर कई बार हमारे नंबर कट जाते हैं कि आंसर नहीं पता होता बच्चों को क्या है। आंसर कितना हमारे पास 1.21। अब इसका नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, इसमें है 2052.09। अब हमें इसका स्केयर रूट निकाल है, ठीक है। यहाँ पॉइंट से इधर वाले नंबर्स जो हैं इसका हमने राइट हैंड साइड से बना दिया, उधर वाले जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड से पेयर बना दिया, सबके पेयर बन गए। अब 20 के नीचे 25 कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, या तो 20 के इक्वल होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, तो किस पे जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। इस लाइन से टच कर लिया, इसको माइनस कर दिया हमने, ऊपर से 5 को ले लिया, 4 का डबल 8 हो गया, देखो 8 5 जा 40, अगर 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं 40, आगे से देखो 45 के नीचे 40 आ सकता है, तो मैं इसके साथ 5 लेके देखू, ठीक है। अगर मैं 6 लूंगी 8 के साथ तब क्या होगा, देखो तब तो ये बड़ा आ जाएगा ना, 516 आ गया, तो बड़ा नहीं ले सकते हैं इससे, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, तो हम 5 पे ले लेते हैं, 425, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, माइनस कर दिया हमने, 12 - 5 कितना आ गया 7, ठीक है, 4 - 2 2। अब देखो पॉइंट वाले नंबर हो गए खत्म, 20 और 52 पॉइंट्स यहाँ तक नंबर हमारे खत्म हो गए। अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ चला गया, ठीक, ऊपर से हमने क्या लिया 09। अब 45 का अगर हम डबल करें, 45 प्लस 45 कितना आ गया 90, तो 90 को इस नंबर के बिल्कुल सामने ले लेंगे, ठीक है। अब 7 7 49 होता है या 3 3 9 होता है, अब हम 90 के साथ अगर 3 ले तब कितना आता है, अगर 3 पे नहीं जाएगा फिर हम 7 लेके देखेंगे, पहले 3 लेके देखते हैं, 3 3 9 0 3 9 27, ओ ये तो आ गया वेरी इजी, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आ गया, ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया, नीचे अलग से आप आंसर लिख देना और आंसर को बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 45.3, ये हमारा आ गया आंसर, और इसको बॉक्स में कर दो, इंडिकेट कर दो कि ये हमारा आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट। फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। सिक्स पार्ट हमारा क्या है, 9 6 4 2 8 8 0 9। अब हमें इसका स्केयर रूट निकालना है, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं इनका आगे से पेयर बना देते हैं और इसके पीछे से, 9 बच गया यहाँ पे अकेला, 9 किस पे जाएगा, 3 3 9, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आ गया आपको, तो सेकेंड भी आ जाएगा 9 आके। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हमने ले लिया 64, 3 का कर लिया डबल 64, अगर मैं 6 के साथ 2 ले लूंगी तो क्या होगा, अरे बाबा ये तो बड़ा आ गया, 124 तो इसके नीचे बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे, 2 बड़ा है तो 2 से छोटा ले लेंगे,
वन ले लिया हमने, तो 61 माइनस कर दिया, यहाँ आ गया 3। अब ये पॉइंट वाले नंबर हो गए खत्म, तो दो नंबर के बाद आया पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ आ जाए, ठीक है, जहां पे हमारे 64 खत्म हो जाता है उसके बाद पॉइंट आ जाता। इसके बाद हमने ऊपर से ले लिया 28, 31 का करिए डबल, 31 + 31 कितना हो गया 62, इसके सामने लिख दिया हमने 62। देखो 6 5 30 5 लेके देखें, इसके साथ 62 के साथ अगर हम 5 लेते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा आ गया, 4 डिजिट में आ गया। तो देखो अगर मैं इसके साथ 1 भी लेती हूँ तब भी 2 6 21 तो बड़ा है, 3 24 3 28 छोटा है, तो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3, ये 600 मिल जाएगा, 300 रह जाएगा, तो मैं क्या करना है, एक पेयर और लेंगे। जब हम दो पेयर इकट्ठे लेंगे 28 और 88, हमने दो पेयर इकट्ठे ले लिए, जब दो पेयर इकट्ठे ले लिए तो इसकी जीरो हमें ऊपर भी लगानी पड़ेगी और नीचे लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम 5 लेके देखते हैं, क्योंकि 6 6 36, यहाँ 36 नहीं जाएगा 32 के नीचे, तो 5 से करके देखते हैं, 3 1 0 2 5 माइनस कर देंगे 8 5 3 6 8 1। अब ऊपर से हमने ले लिया 09, आप इसका कर ले डबल, 3 1 0 5 3 1 0 5 पे डबल करेंगे अब हम, तो कितना आ गया 6 2 1 0, इसके बिल्कुल सामने लिख देंगे 6 2 1 0। अब देखो 3 3 9 होते हैं, ठीक है, 6 3 18 होता है, आगे से भी मैच कर रहा है पीछे से भी मैच कर रहा है, तो अगर मैं इसके साथ 3 ले, आ रहा है पूरा 1 8 6 3 0 9 सेम आ रहा है, देखो तो यहाँ भी 3 ले लिया मैंने और यहाँ भी 3 ले, आ गया हमारा सेम, नीचे क्रॉस आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 31.053, ये हमारा आ गया आंसर। ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो इसको ताले में। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be multiplied so that the product becomes a perfect square, ठीक है, आपके पास बुक है, बुक खोल लो, बुक में आप अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करो कि क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है by which, जिससे कि each of the following, नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको मस्ट बी मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट, ताकि जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन है कि 48 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर्स दिया है इसके हम फैक्टर मेथड से फैक्टर्स बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं 48 के, सबसे पहले हम फैक्टर्स बना लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से फैक्टर बनाने होते हैं, बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर से, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, ठीक है। तो 2 2 4 2 4 8, 2 से हम फैक्टर्स बना रहे हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब स्क्वायर में हम क्या करते हैं, 2 2 नंबर्स के पेयर बनाते हैं। अब देखो यहाँ से हमने ये पेयर बना लिया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, अब 3 अकेला रह गया। अब क्वेश्चन में अगर ये 3 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, तो वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग, मींस बाय विच 48 मस्ट बी मल्टीप्लाई, कि वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिससे 48 को मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया, वो आ गया हमारा 3, क्योंकि 3 अकेला है, जिसके पेयर नहीं बनते वो हमारा आंसर आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, बस ये आपका आंसर, यहां
स्मॉलेस्ट नंबर उसने पूछा, यही पूछे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं आपकी चेकिंग, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया हमारा 3, क्या ये सही है हमारा? क्या 3 से 48 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा? तो चेक करते हैं अपना नंबर, 48 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 38 जे 24, 2 3 4 जे 12, 12 और 2 14, 144, 144 का अगर हम स्क्वायर निकाल, स्क्वायर रूट निकाल लें तो फैक्टर्स बना लेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या था, 3 अकेला बच गया था, 3 के फैक्टर्स नहीं बन रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम पेयर्स बनाएं तो यहाँ 3 के साथ कंप्लीट पेयर बन गए, 1 2 यहाँ से आया, 1 2 यहाँ से आया और 3 यहाँ से आया, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 जो 4, 4 × 3 जो 12, तो हमारा आंसर कितना आ गया 14, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। मेंस 3 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे 48 को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट कितना है 144, वो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना है 12, तो हमारा जो आंसर है 3 वो बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, 1008 को किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा 1008, अब देखते हैं 1008 के हम पेयर्स बनाते हैं, पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, इसके हम पेयर्स ऐसे बनाते जाएंगे। अब 63 आ गया, 6 + 3 = 9, तो ये 3 से डिवाइड होता है, 7 के साथ पेयर नहीं है, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, ये हमारा आंसर। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, अब चेकिंग जरूरी नहीं है कि आपने चेकिंग करनी है, आपका आंसर तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ तक पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चेकिंग हम इसलिए करते हैं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो अब हम चेकिंग करते हैं। अब हमारा था 1008, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 56 = 0, 7 − 7, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 7 × 0 = 65, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 4 + 4 = 8, 8 + 1 = 9, 3 + 3 = 7, 147 की फिर बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पेयर बन गया हमारा, अब ये 3 इसके साथ पेयर बन जाएगा, ठीक है, और ये 7 इसके साथ कंप्लीट पेयर बन गए, तो इसका आंसर आएगा 2 × 2 = 3 = 7, क्या आंसर आएगा 2 × 2 × 3 × 7, 2 × 2 = 4, 7 × 3 = 21, 85, मींस जो प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया 7056, जब हमने इसके स्क्वायर्स, इसके फैक्टर्स बनाए, इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो हमारे पास कितना आया 84, इट मींस हमारा जो आंसर है 7, दैट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स हैं 12, 15 और 18, हमें सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसका मतलब अब देखो लीस्ट, अब इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम,
एलसीएम की फुल फॉर्म भी क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम इनका क्या लिख लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ 12, 15 और 18। इससे रिलेटेड ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आगे भी कर रहा है, शायद क्वेश्चन नंबर 13 है, वो सेम क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है। ठीक है, फिर भी मैं इसको आपको करवा देती हूँ। इसके एलसीएम ले लेंगे 12, 15 और 18। अब ये सोचो कि ये तीनों नंबर्स कौन से नंबर से डिवाइड होंगे, 2, 6 जा 12, 2 9 जा 18, 15 नहीं आता ट्रुक के ऊपर में, तो 3 में देखो ये तीनों ही आ जाते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब 2 2 जा 4, 5 नहीं जाता, 2 3 जा 6। अब 2, 5 और 3 ये तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं इनका, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 3 15 जा 15 और 3 180। तो एलसीएम हमारा आ गया 180। अब हम 180 के फैक्टर्स बना के देखते हैं कि क्या ये स्केयर नंबर है। अगर ये स्केयर नंबर है देन इट्स ओके, बट अगर ये स्केयर नंबर नहीं है तो फिर हमें इसको स्केयर नंबर बनाना पड़ेगा। वैसे तो देखो अगर हम जनरल नॉलेज से चेक करें कि यहाँ 10 है तो 10 का तो स्केयर रूट होता ही नहीं है, 100 का स्केयर रूट 10 होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 के फैक्टर्स बना के देखते हैं। यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 180 के हमने फैक्टर्स बना लिए, फिर 2 से कर देंगे, अब 3 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, पेयर बनाए हमने, यहाँ देखो 5 अकेला है। इट मीन्स 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट यहाँ पे पेयर्स नहीं बन रहे हैं, 5 एक बच गया है जिसका पेयर नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, अब यहाँ पे इट किसके लिए है, इट 180 के लिए है, कि 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ इसकी फैक्टर्स देखो, 3 5 5 अकेला है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 18 5 से 90 900। तो रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर कौन सा, रिक्वायर्ड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लीस्ट स्क्वायर नंबर, जिस जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा और 18 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 900, ये हमारा आंसर बस। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेकिंग कर सकते हो, 900 को पहले 12 से डिवाइड करके देखो, चेक मैं करवा देती हूँ आपको, वैसे जरूरी नहीं है पेपर में नहीं करना, वैसे ही चेक कर रहे हैं हम, 900 को अगर हम 12 से डिवाइड करें, 12 7 84 12 5 60 हो गया पूरा डिवाइड। अब 900 को अगर हम यहाँ 15 से डिवाइड करें तो 15 6 जा 90, ये जीरो पर आ गया। ठीक है, ये भी परफेक्ट डिवाइड हो गया। अब 900 को अगर हम 18 से करें तो 18 5 जा 90, ठीक है, अब ये जो जीरो बच गई ऊपर ले गए, तो परफेक्ट डिवाइड हो गए एग्जैक्टली तीनों नंबर से, 900 डिवाइड हो रहा है। इट मींस 900 इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 and 18। लेट्स सी द नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 15,440 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 15,440 में से क्या माइनस करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर को फाइंड करना है जिसको माइनस करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन,
हम इसका लॉन्ग डिविजन मेथड से निकालेंगे, जहाँ पे एडेड लिखा हो या सब्ट्रैक्टेड लिखा हो उसका हम लॉन्ग डिविजन मेथड से निकालते हैं। जहाँ पे हमें लिखा हो कि मल्टीप्लाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर, तब हम फैक्टर मेथड से, जिसको आप एलसीएम कहते हो, फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड से। राइट हैंड साइड से अपने पेयर बनाए, 1 1 जा 1, ऊपर से ले लिया हमने पेयर 54, 1 का डबल 2, अभी 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। देखो 3 क्यों नहीं लिया मैंने, अगर मैं 2 के साथ 3 लिखती तो क्या आ जाता, 69 क्या है, बड़ा है 54 से, इसलिए नहीं जाएगा। तो माइनस किया, ऊपर से क्या लिया 40, अब 12 प्लस 12 24, इसके सामने हमने ले लिया 24। देखो अगर मैं 24 के साथ 5 लूं तो क्या होएगा, 5 5 25, ठीक है, 1225 यहाँ बड़ा आ जाएगा, तो हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते इसके नीचे, या तो बराबर का होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। जब 5 पे नहीं जा रहा तो 4 पे डेफिनेटली जाएगा, देखते हैं 4 पे कितना आ गया हमारा, 976 माइनस कर दिया, 13 माइनस 76, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 64। बस आपका क्वेश्चन खत्म, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, वो लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको 15,440 में से माइनस करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब हम चेकिंग करते हैं, आपने चेकिंग पेपर में नहीं करनी है अगर नहीं पूछी तो, ठीक है, अगर पूछते हैं तो करनी है। ये तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि चलो मैं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कि जो हमारा आंसर 64 आया है क्या वो बिल्कुल सही है, तो देखते हैं चेकिंग करके। माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 6, 13 माइनस 6 7, कितना आ गया 153 76। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है माइनस करने पे, 1 1 जा 1 1 का डबल 2, फिर 2 ले लिया हमने, 2 44 आ गया, माइनस कर दिया। अब देखो इसका डबल कर लिया 12 का 24, 24 के साथ जब हमने 4 लिया था तो यहाँ क्या आया था 976, और ये 976 आ रहा है इसको माइनस करके, तो अगर मैं इसके साथ 4 ले लूँ तो इट मीन्स ये पूरा चला गया, इट मीन्स 15376 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका आंसर कितना आ रहा है 124। ठीक है, तो इसका मतलब 64 जो हमारा आंसर है दैट इज अ करेक्ट आंसर, कि 64 वो लीस्ट नंबर है जिसको 15,440 में से माइनस करने पे जो नंबर आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।